दमोह के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे स्थित विकलांग पुनर्वास केंद्र लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ पर आने वाले विभिन्न आयु वर्ग के दिव्यांगजनों के लिए जो सुविधाएं शासन के द्वारा दी जा रही हैं, उन सुविधाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं मिल रही हैं। यही कारण है कि यहाँ पर आने वाले दिव्यांगजनों को जहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, उनका इलाज हो रहा है, साथ ही उनको उपकरण इत्यादि देकर के उनको पैरों पर खड़ा होना भी सिखाया जा रहा है। क्या कुछ कहना है यहाँ आने वाले हितग्राहियों का, यहाँ के डॉक्टर्स का और कलेक्टर का, आपको सुनाते हैं। पहले तो कुछ भी नहीं करती थी, अब तो ये पैर में जब से आना शुरू हुआ है तो तब से बहुत सारे इसमें वो आ गए कि ये सब कुछ करने लग गए। पहले ऐसे मतलब बैठी रहती थी, लेकिन अब घूमने के बाद मतलब पकड़ के खड़ी होने की कोशिश भी करती है, सब कुछ करती। पढ़ाई में भी मतलब ध्यान देती है, जो मैं पढ़ाने को बोलो वो पढ़ती है, वो समझती है, और जो कुछ भी बोलो उसे वो सब समझती है कि ये कर लो बेटा, तो सब करने की भले नहीं कर पाएगी लेकिन करने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी बात ये सर, जहाँ भी गए हैं, बड़े बड़े संस्थान में गए हैं, तो उन्होंने एक ही मात्र उपाय बताया कि एलोपैथी यहाँ पे कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ फिजियोथेरेपी ही आपके हाथ रहेगी और यही एक मात्र आपका उपाय है और इसी को आपको करना है। अब इसके बाद और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है इन बच्चों के लिए, तो यही जरूरी है, तो यही करना जरूरी भी है। मेरा नाम साहब सिंह राजपूत है और हम लोग पथरिया के निवासी हैं, और ये गुड़िया जन्म के उपरांत ही इस स्थिति में थी कि गर्दन भी नहीं सदा पा रही थी, लेकिन फिजियोथेरेपी के बाद में हम ये कह सकते हैं कि हमारी गुड़िया को बहुत ज़्यादा आराम तो नहीं है, लेकिन ये है कि बिगड़ते क्रम में नहीं है, और ये आप फिजियोथेरेपी की वजह से ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, आँख पाँव टेढ़े नहीं हो रहे, क्योंकि अगर फिजियोथेरेपी हम बंद करते तो इसके हाथ ऐसे टाइप के होना शुरू हो जाते हैं, पाँव भी और प्रैक्टिस कराने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है इसको। तो ये कुल मिला के हम लोग फिजियोथेरेपी शुरू से प्रेफर करी है डॉक्टर ने कि फिजियोथेरेपी होनी चाहिए बच्चों को, तो स्टार्टिंग से ही फिजियोथेरेपी चल रही है। फिलहाल में हम लोग पथरिया के निवासी हैं, लेकिन एक साल से लगभग यही रह रहे हैं कि गुड़िया को फिजियोथेरेपी कंटिन्यू हो सके। मेरा नाम सुधीर रहता है, मेरी बच्ची का ये हमको अच्छा रही है, अच्छा करने लगी है, दो महीने भी पानी सुनो जब लोग यहाँ का बढ़िया से लोग व्यवहार कर दिया है, और यहाँ की कीमती भी रहती है, वहाँ भी सब जगह रहती तो किसी भी नहीं थी, यहाँ की वहाँ सब जा ये सब जगह अच्छे से बोल दे सकते हैं, जैसे परिवार जैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये विकलांग पुनर्वास केंद्र है, इधर पे जो विकलांगों से और जो डिसेबल्स से जितने भी दिव्यांग हैं उनकी सारी सुविधाओं के लिए ये सेंटर 2011 में फुल फ्लैश्ड इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसमें फिजियोथेरेपी की संपूर्ण मशीनों के साथ सुविधाएं, जो एक्सरसाइज और मशीनों से सिखाई की जाती है, दर्द वगैरह, और बच्चों के लिए जैसे सेरिब्रल पाल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लकवा के मरीज हैं, इन लोगों के लिए इलाज के लिए पूर्ण सुविधा यहाँ पे है। और अभी भी यहाँ पे रोज़ डेली 10-15 बच्चे जो सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित हैं वो आते हैं, और बाकी नॉर्मल फ्रैक्चर्स के केसेस जो डेली आ रहे हैं। फिर यहाँ पे ऑडियोमेट्री और कान की मशीनें और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा विकलांग पुनर्वास केंद्र में उपलब्ध है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए स्पेशल जो MR बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी यहाँ सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
और स्पेशल रूम है जो बच्चों के लिए खेलकूद और मानसिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, और फिजियोथेरेपी का पूरा डिपार्टमेंट है जिससे सारी मशीनें हैं। स्पीच थेरेपी के लिए साउंड प्रूफ रूम है जिसमें ऑडियोमेट्री की जांच होती है, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए भी हमारे स्पेशल MR टीचर हैं और वो पढ़ाते हैं, और ब्लाइंड बच्चों के लिए सिखाने के लिए भी मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर हैं जो फुल फ्लेज्ड यहाँ पे ज़िले के जितने भी दिव्यांग हैं जो परेशान हैं दर्द से फ्रैक्चर से वो यहाँ लाभ ले सकते हैं। DDRC में लगभग 60 व्हीलचेयर जो है उपलब्ध है, जितने भी व्यक्ति जिसकी पात्रता बनती है और जिन लोगों को व्हीलचेयर की जरूरत है तो लोग जो है आके अपना नियमानुसार जो है एप्लीकेशन देके व्हीलचेयर जो है वो ले सकते हैं। शासन की नियमों के तहत जितने भी आज के डेट में दिव्यांग है वो सभी लोगों की पात्रता अनुसार जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी लोगों को कोई ना कोई शासन की योजना का लाभ देने की प्रयास कर रहे हैं। तो अगर अभी भी अगर कोई भी दिव्यांग लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के तहत है और इन लोगों को व्हीलचेयर की जरूरत है तो कृपया DDRC आके अपना वो व्हीलचेयर जो भी होगा वो प्राप्त